भगवंत मान की सरकार के लिए आने वाले दिन मुश्किलों से भरे होंगे। पंजाब सरकार को सबसे पहले किसानों का ही सामना करना पड़ेगा। पंजाब के डेयरी किसान अपने उत्पाद की कीमत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार दूध की कीमत में कम से कम 7 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी करे। प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दलजीत सिंह सदरपुरा के मुताबिक उनकी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इसीलिए डेयरी किसानों ने 21 मई को सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का फैसला किया है। सदरपुरा के मुताबिक पंजाब में डेयरी उद्योग को चलाने में डेयरी किसान बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन पिछले 4 सालों से दूध की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, जबकि खर्चे काफी बढ़ चुके हैं। ऐसे में कई किसान कर्ज के नीचे दबे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान को कर्ज से निकालने और डेयरी उद्योग को वापस पटरी पर लाने के लिए प्रति किलो दूध पर कम से कम 7 रुपए की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। सदरपुरा ने यह भी कहा कि कोरोना काल में दूध की कीमतों में कमी के चलते पिछले 2 सालों में कई डेयरी किसान कर्ज तले दब गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री दूसरी किसानी समस्याओं पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन डेयरी किसानों की मांग को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेती का सबसे अच्छा विकल्प डेयरी उद्योग है, लेकिन सरकार इस बात को नहीं समझ रही, जिससे डेयरी उद्योग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों को पकड़ा जाएगा, लेकिन चुनावी वादा, और वो भी अरविंद केजरीवाल का, 24 घंटे की जगह 60 दिनों बाद तक पूरा नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल को इसी बात पर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अपने रडार पर लिया और ट्वीट कर कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों पर कार्रवाई कब करोगे। बग्गा ने कहा कि आपने 24 घंटे का समय मांगा था, 60 दिन हो गए, कितने में जमीर बेचा, तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा केजरीवाल जी, जब तक गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करने वालों को सलाखों के पीछे नहीं डालोगे। कुछ दिनों पहले भी बग्गा ने कहा था कि वो सीएम केजरीवाल से सवाल पूछते रहेंगे, चाहे इसके लिए उन पर 1000 मुकदमे दर्ज किए जाएं। बग्गा ने कहा कि मुझे पंजाब पुलिस ने आतंकवादी की तरह गिरफ्तार किया, क्या सवाल पूछना मेरी गलती थी। अपनी नाटकीय गिरफ्तारी के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए बग्गा ने कहा कि वो केजरीवाल से पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वालों, मादक पदार्थ माफियाओं और राज्य में खालिस्तान के नारे लगाने वाले अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के उनके वादे के बारे में पूछते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ भगवंत मान को खालिस्तानियों पर लगाम लगाने, ट्रक तस्करों को पकड़ने से ज्यादा केजरीवाल की सुरक्षा की चिंता सता रही है। मान सरकार पता नहीं केजरीवाल के लिए किस किस्म की सुरक्षा चाहती है, क्योंकि केजरीवाल को पहले से ही जेट प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है। लेकिन पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को खालिस्तानी आतंकियों से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा बताया है। इसका हवाला देते हुए केजरीवाल को अतिरिक्त सुरक्षा कवर प्रदान करने के बारे में लिखा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने फिलहाल इस मांग को खारिज कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत जेड प्लस श्रेणी के तहत केजरीवाल के पास पहले से ही उच्चतम स्तर की सुरक्षा है। भाजपा के युवा विंग के नेता तजिंदर बग्गा को राष्ट्रीय राजधानी में उनके घर से पंजाब पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के कुछ दिनों बाद यह मामला सामने आया है। पंजाब पुलिस ने केजरीवाल को धमकी देने की कथित टिप्पणी को लेकर दर्ज एक मामले में भाजपा युवा शाखा के राष्ट्रीय सचिव की गिरफ्तारी की मांग की थी। बग्गा को बाद में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की ओर से गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है। चिंतन शिविर में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस बीच हमेशा की तरह कांग्रेस नेताओं ने बिना सिर पैर की मांग उठानी शुरू कर दी। खबरों के अनुसार नवसंकल्प चिंतन शिविर में ईवीएम का जिन फिर से बाहर आ गया। कई नेताओं ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग छेड़ दी और इस दौरान ईवीएम पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। मतलब जिस मुद्दे पर चुनाव आयोग कई बार सफाई दे चुका है और कई तरीके से साबित कर चुका है कि ईवीएम सेफ है, उसी मुद्दे पर चिंतन शिविर आयोजित कर कांग्रेस चर्चा कर रही है। शायद देश की सबसे पुरानी पार्टी के रसातल में जाने का प्रमुख कारण यही है, क्योंकि ईवीएम में धांधली के कथित आरोपों के बाद भी कांग्रेस खुद कई चुनाव जीती है। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव शामिल हैं। वहीं शिविर में कहा गया कि 2024 के आम चुनावों में कांग्रेस के घोषणा पत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे को शामिल किया जाए। 2 दिन के विचार विमर्श के दौरान कांग्रेस नेताओं के बीच यह मुद्दा ज्यादातर नेताओं ने उठाया।
सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक कमेटी पैनल के सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि सभी नेता इस पर सहमत हैं कि मौजूदा भाजपा से ईवीएम बैन करने का आग्रह व्यर्थ है। इस पर एक सदस्य ने तर्क दिया कि इस मुद्दे को 2024 के लिए कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जाए, ईवीएम पर प्रतिबंध लगाने और कागजी मतपत्रों पर लौटने का संकल्प लिया जाए। राजनीतिक कमेटी में शामिल सदस्यों ने कहा कि जापान और अमेरिका ने ईवीएम के साथ प्रयोग किया था। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के कामकाज में कमियां स्वीकारने के बाद यह देश बैलेट पेपर पर लौट आए हैं। चव्हाण ने कहा कि राजनीतिक समूह ने ईवीएम और उनकी सत्यता पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कुछ अन्य नेताओं के साथ सुझाव दिया कि पार्टी को इस मुद्दे पर एक रुख अपनाने की जरूरत है। राजनीतिक कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा को हराने के लिए राज्य स्तर पर समान विचारधारा वाली पार्टियों से गठबंधन किया जाए। हालांकि इस मुद्दे पर कुछ लोगों की राय भिन्न थी। उनका कहना था कि पार्टी को अकेले ही मजबूती के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है या कदम दूरगामी होगा। इस दौरान इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई कि भाजपा अभिनेताओं के जरिए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे शरद पवार पर हमला कर रही है। इस चुनौती से निपटने के तरीकों पर भी जोर दिया जाना चाहिए। बहरहाल कांग्रेस ने ईवीएम का चिन्ह छेड़कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश एक बार फिर से की है। अब इसका जवाब जनता ही फिर से देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। किसान आंदोलन के नाम पर खुल्लम खुल्ला राजनीति करने वाले बड़बोले राकेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन से निकाल बाहर कर दिया गया है। उनके बड़े भाई नरेश टिकैत को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से बर्खास्त कर दिया गया है। नरेश टिकैत की जगह फतेहपुर के राजेश सिंह चौहान भारतीय किसान यूनियन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी महन सिंह टिकैत की पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ स्थित गन्ना किसान संस्थान में भाकियू नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें टिकैत परिवार के खिलाफ किसानों में उभरी नाराजगी के बाद राकेश टिकैत को बर्खास्त कर दिया गया। वहीं नरेश टिकैत को भी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय पद से मुक्त कर दिया गया। किसान नेताओं में टिकैत बंधुओं के प्रति नाराजगी दिखाई दी। राकेश टिकैत ने सरकार के नए कृषि कानून का विरोध किया था। यही नहीं, राकेश टिकैत के आह्वान पर यूपी दिल्ली बॉर्डर पर एक साल से ज्यादा आंदोलन चला। कृषि कानून के वापस होने के बाद ही यह आंदोलन खत्म हुआ था, लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद भी टिकैत की राजनीतिक बयानबाजी जारी रही। टिकैत कई बार किसानों को छोड़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना ज्ञान बांटने लगे। टिकैत उस समय छा गए थे जब उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर रोते हुए कहा था कि बीजेपी सरकार उनकी हत्या करवाना चाहती है। उनके रोने का यह असर हुआ कि आंदोलन और बड़े स्तर तक पहुंच गया। यही नहीं, इस आंदोलन में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहते हुए राकेश टिकैत ने पूरे देश में बीजेपी सरकार के खिलाफ जनसभाएं की और कृषि कानून को किसानों के लिए काला कानून बताया था। राकेश टिकैत ने बंगाल, यूपी, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत पूरे देश में जनसभा करके कृषि कानून को किसानों के खिलाफ बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। आंतरिक कलह और गुटबाजी को छोड़कर संगठन को मजबूत करना और भविष्य की रणनीति तैयार करना, जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया जा सके। राजस्थान के उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर का यही मकसद था। लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस है, सब कुछ इतनी आसानी से कहां करती है। इसीलिए मकसद कुछ भी हो, पर इस चिंतन शिविर में भी नेतृत्व मुद्दा कुछ इस तरह छाया रहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर 2 गुट बनते नजर आ रहे हैं। कई नेताओं ने प्रियंका गांधी वाड्रा को ही अध्यक्ष बनाने की मांग की है, तो वहीं राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग करने वालों की लिस्ट पहले से ही काफी लंबी है। बताया जा रहा है कि राजनीतिक मामलों की समिति में चर्चा के दौरान पार्टी नेता और धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुखरता से प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग की। प्रमोद कृष्णम ने जिस वक्त यह मांग की, उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी बैठक में मौजूद थी। सूत्रों के अनुसार कृष्णम ने कहा कि 2 साल से राहुल गांधी को मनाने की कोशिश हो रही है, वो अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है, तो प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। समिति के संयोजक मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो अपनी बात कहकर ही चुप हुए। कई अन्य नेताओं ने भी प्रियंका गांधी की पार्टी में भूमिका बढ़ाने की मांग की है। इसीलिए कई राजनीतिक जानकार अब यह मान रहे हैं कि कांग्रेस में राहुल वर्सेज प्रियंका के गुट सक्रिय हो सकते हैं। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम और दिग्गज कांग्रेसी नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा कि प्रियंका को राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहिए, उन्हें यूपी तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। बिहार कांग्रेस की नेता रंजीता रंजन ने भी इससे सहमति जताई कि प्रियंका गांधी को सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हालांकि नव संकल्प शिविर के लिए उदयपुर में सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों के पोस्टर लगाए गए हैं।
प्रियंका गांधी का कोई पोस्टर इनमें नहीं है। बहरहाल राहुल और प्रियंका के अपने अपने समर्थक हैं और भविष्य में यदि पार्टी बेहतर नहीं कर पाती है तो एक दूसरे के समर्थक आपस में भिड़ते हुए दिख जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कभी कांग्रेस तो कभी अखिलेश यादव, कभी अरविंद केजरीवाल तो कभी ममता बनर्जी के हाथों की कठपुतली बने राकेश टिकैत को उनकी राजनीति भारी पड़ गई। दोनों भाई राकेश और नरेश टिकैत एक पार्टी के खिलाफ विपक्ष का मोहरा बने रहे, लेकिन बीकेयू के कई ऐसे किसान नेता थे जिन्हें टिकैत ब्रदर्स की सियासत कभी पसंद नहीं आई। नतीजा यह कि भारतीय किसान यूनियन में बड़ा बदलाव खड़ा हो गया। दोनों भाइयों को निकालने के बाद किसान नेताओं ने भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक नाम से नया संगठन बना लिया। यूपी एमपी और उत्तराखंड के नाराज किसान नेताओं ने बैठक के बाद निर्णय लिया है और राजेश सिंह चौहान को भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का अध्यक्ष बनाया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान राकेश टिकैत की ओर से दिए गए राजनीतिक बयानों की वजह से संगठन में दो फाड़ की बात कही जा रही है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का राजनीति से कोई मतलब नहीं होगा, किसान हितों के लिए यह संगठन काम करेगा। नए संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अनिल तलान ने नारे के स्वर में कहा, किसान तुम बढ़े चलो, किसान तुम बढ़े चलो। संगठन में राजेंद्र सिंह को संयोजक और संरक्षक बनाया गया है जो गठवाला खाप के मुखिया हैं। राजेंद्र सिंह वही हैं जब किसान आंदोलन चल रहा था तो राकेश टिकैत के खिलाफ लगातार सक्रिय रहे। टिकैत ब्रदर्स से इन सब का विरोध इस बात को लेकर था कि भारतीय किसान यूनियन एक तो राजनीतिक हो गई है और दूसरी तरफ सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, यानी बिल्कुल सरकार के खिलाफ बनी हुई है। इस संगठन में धर्मेंद्र मलिक भी शामिल हुए हैं। राकेश टिकैत ने बीकेयू टूट के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इन सब के पीछे सरकार है और उसी ने सब कुछ करवाया है। जिस तरीके से 26, 27 और 28 जनवरी 2021 को लोगों ने सरेंडर किया था, उसी तरीके से आज 15 मई को भी चंद लोगों ने सरकार के सामने सरेंडर कर दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि पहले भी हमारे संगठन से कई लोग बाहर जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ही भारतीय किसान यूनियन से टूटकर 8 से 10 संगठन बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिनकी आस्था नहीं है वो जाने को स्वतंत्र हैं। टिकैत ने कहा कि मैं कल लखनऊ गया था उनसे बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी मजबूरी रही होगी तभी यह लोग छोड़ करके गए हैं। सरकार की तरफ से दबाव बहुत ज़्यादा है, हल्की फुल्की नाराजगी लोगों को रहती है, लेकिन यह सब चीज़ें एक संगठन में लगी रहती हैं। अब जिलों में जो भी संगठन है वहां से अगर कोई जाना चाहे तो चला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। डूबती कांग्रेस को बचाने के लिए भले ही राजस्थान के उदयपुर में उसका चिंतन शिविर चल रहा हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस वास्तव में डूबने से बचना चाहती है, क्योंकि हिंदुओं को नीचा दिखाने की उसकी नीति लगातार जारी है। बनारस में काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवादित ढांचे की सर्वे एवं वीडियोग्राफी के बीच कांग्रेस काशी विश्वनाथ मंदिर के विध्वंस के लिए मुगल आक्रांता औरंगजेब को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, औरंगजेब के बचाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से असंगत विषय लेकर आ गई और सही तथ्य को मानने के बजाय हैदराबाद में चार मीनार के बगल में स्थित भाग्यलक्ष्मी मंदिर का मामला उठा दिया। दरअसल ज्ञानवापी विवादित ढांचे की वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण के बीच लोकप्रिय ट्विटर हैंडल इंडिया हिस्ट्री पिक ने ट्विटर पर काशी विश्वनाथ मंदिर की क्षतिग्रस्त दीवार की एक पुरानी तस्वीर अपलोड की थी। तस्वीर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अवलेखागार से ली गई थी। तस्वीर के साथ लिखा था, 1890 काशी विश्वनाथ मंदिर की दीवार, जिस मंदिर को मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा नष्ट कर दिया गया था, अब ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी का हिस्सा है। तस्वीर देखने और उसके कैप्शन में औरंगजेब को अत्याचारी बताने पर कांग्रेस मुगल आक्रांता के बचाव में आ गई। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के आधिकारिक हैंडल ने दावा किया कि प्राचीन हिंदू मंदिर को मुगल सम्राट औरंगजेब ने नष्ट नहीं किया था। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने दावा किया कि 1890 में ली गई तस्वीर या कैसे साबित कर सकती है कि औरंगजेब ने ही मंदिर को तबाह किया था, जबकि उसकी मृत्यु लगभग 2 शताब्दी पहले ही हुई थी। महाराष्ट्र कांग्रेस सेवा दल ने कहा, औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुई थी। 1890 में क्लिक की गई एक तस्वीर उस दीवार को कैसे दिखा सकती है जिसे 1707 में मरने वाले व्यक्ति द्वारा कथित रूप से तोड़ा गया था। फिर इंडिया हिस्ट्री पिक ट्विटर हैंडल ने कांग्रेस के दावे का खंडन करते हुए कहा कि उसी नष्ट की गई दीवार को 1834 में ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाए गए एक लिथोग्राफ में भी देखा गया है, जिसमें उल्लेख किया गया था कि मंदिर को औरंगजेब ने नष्ट किया है। अपने अगले ट्वीट में इंडिया हिस्ट्री पिक्स ने कहा, जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1834 में निर्मित इस लिथोग्राफ में नष्ट काशी विश्वनाथ मंदिर की वही दीवार दिखाई गई है। इन्होंने भी कहा है कि मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा था।
वहीं कांग्रेस सेवा दल ने इस तथ्य को खारिज करने की कोशिश की कि औरंगजेब को मंदिर का विध्वंसकर्ता इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आंशिक रूप से नष्ट की गई दीवार की एक तस्वीर दशकों बाद ली गई थी। हालांकि यह निर्विवाद तथ्य है कि मूल काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब के शासनकाल में नष्ट कर दिया गया था और मस्जिद को उसके खंडहरों पर बनाया गया था। आखिर में महाराष्ट्र कांग्रेस सेवा दल ने एक अलग ही लीक पकड़ते हुए भागलक्ष्मी मंदिर का मुद्दा उठा दिया, जबकि भागलक्ष्मी मंदिर एक अलग राज्य में पूरी तरह से अलग मुद्दा है। यह मंदिर कुछ दशक पहले ही बनाया गया था, इसीलिए बिना मंदिर वाली तस्वीरें उपलब्ध हैं। लेकिन मूल काशी विश्वनाथ मंदिर के अस्तित्व का फोटोग्राफिक प्रमाण मांगना विचित्र है, क्योंकि इसे फोटोग्राफी के आविष्कार के सदियों पहले ध्वस्त कर दिया गया था। इसके अलावा मस्जिद में दीवारों और अन्य खंडरों के रूप में मंदिर के भौतिक प्रमाण हैं। इसके साथ ही इसके कई ऐतिहासिक और साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। सेवा दल ने कहा कि यह साबित करने के लिए कि ज्ञानव्यापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, उन्हें पहले और बाद की तस्वीरों को देखने की जरूरत है जो अलग अलग समय में अलग अलग जगह को दर्शाती हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने हैदराबाद में चार मीनार की दो तस्वीरें अलग अलग पोस्ट की। दूसरी रंगीन तस्वीर में चार मीनार के बगल में स्थित भागलक्ष्मी मंदिर दिखाई दे रहा है, जबकि पहली ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में मंदिर नहीं है। मंदिर का निर्माण 1960 के दशक में किया गया था और यह एक विवादित संरचना है जिसके विस्तार को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने रोक दिया है। अपने खास उद्देश्य को लेकर सेवा दल ने दोनों तस्वीरों में चार मीनार के पास चार कमान को भी इंगित किया। चार मीनार के पूरा होने के बाद 16वीं शताब्दी में कमानों का निर्माण किया गया था। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी दोनों तस्वीरों में इसे दिखाकर क्या साबित करना चाहती है। आज तक इस प्राचीन मंदिर के कुछ हिस्से मस्जिद की बाहरी दीवारों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। खासकर पश्चिमी दीवार के दूर बैठा नंदी बैल और मां श्रृंगार गौरी की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा मंदिर के विध्वंस, मस्जिद के निर्माण और वर्तमान आसन्न स्थल पर मंदिर के पुनर्निर्माण के पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण हैं। विवादित ढांचे से सटे हुए काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में जहां भक्त पूजा अर्चना करते हैं, उसका निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 ईस्वी में कराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।